लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का जो है चुनाव जो है हो रहा है। और अब बता दें कि अभी हम मौजूद हैं रामपुर में। रामपुर का जो है कहा जाता है कि मोहम्मद आजम खान का गढ़ है। और क्या सब कुछ है, जनता जब वोट दे के आ रही है वहाँ तो क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट डाला, ये जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी महिलाएँ हमारे साथ हैं, महिलाओं से ही बात करने की कोशिश करते हैं। जी मैम, क्या क्या मुद्दे थे जब वोट डाल के गए? सही है माहौल, सही है जी। क्या क्या मुद्दे रहे, महंगाई, बेरोजगारी या फिर विकास, क्या मुद्दा? महंगाई है, महंगाई है बहुत ज़्यादा है। जो सिलेंडर 400 का मिलता था, 450 का, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है। तेल पे भी बहुत पैसा बढ़ा हुआ है, हर महंगाई है, हर चीज़ पे, सभी चीज़ों पे, तेल पे, डीजल पे बहुत महंगाई है। महंगाई एक मुद्दा रहा जब आप वोट डालने गए? हाँ महंगाई है। क्या लग रहा है, जैसे आप उम्मीद क्या लगा जा रही है, सरकार की वापसी होगी या नहीं होगी? होगी, इंशाल्लाह होगी, अल्लाह ने चाहा तो। योगी सरकार वापसी करेगी? नहीं, समाजवादी की आएगी, आजम खान की आएगी, अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव, क्या लग रहा है आप किस मुद्दे पर वोट डाले जब आप वोट डालेंगे? क्या मुद्दे थे? मुद्दे पे गए थे, महंगाई सब में ज्यादा हो रही है। महंगाई, हाँ, सिलेंडर 950 का है, जब 400 का 500 का था वो 950 को पहुँच गया है। तेल पे इतनी महंगाई हो गई है, इसी मुद्दे पर डाल के आए। यही सब मुद्दे थे। हाँ, तो मन में क्या सब सोचा, क्या मन वापसी करेगी योगी सरकार की, नहीं करेगी? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। कौन, आजम खान या योगी सरकार? आजम खान। हाँ, मैं राजीव सक्सेना बोल रहा हूँ रामपुर से। महंगाई तो देखिए, जब महंगाई अगर है तो तनख्वाह भी बढ़ रही है ना आदमी की, आमदनी भी बढ़ रही है ना आदमी की, तो फिर महंगाई को अगर आप उसमें कैलकुलेट कर रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है भाई, अगर ऐसा तनख्वाह पहले 2000 रुपए थी तो आज 10000 रुपए है। कई लोग कह रहे हैं जब से कोरोना हुआ, लेकिन सरकारी लोगों की आमदनी जो नौकर पेशा, जो नौकर, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो नौकर पेशा आदमी है, जो मजदूर आदमी, उनकी तो मजदूरी वही है और कम होती जा रही है, समझे, कम होती जा रही है। जो पिल्सन थी वो पिल्सने बंद हो गई है, समझे, जो बेवाएं थी उनकी बेवाओं की बंद हो गई है, तो ये मुद्दा नहीं तो क्या है बताइए। जो प्राइवेट काम कर उनकी भी सैलरी कम, सैलरी कम है, लोगों ने काम पे से हटा दिया, उनको पड़ता नहीं आ रहा है ड्यूटी में, 4 आदमी जहाँ थे वहाँ पे 2 रह दिए। अब हम रिक्शा चला रहे हैं, कारचोप बंद पड़ा हुआ है, पिलिंग मशीनें सब बंद पड़ी है, कहाँ जाएंगे हम बताइए, क्या करें आप? मेरा कहना ये है कि जो महंगाई है उस वजह से सरकार ने फ्री राशन महीने में 2 बार कर दिया है गरीबों के लिए, गरीबों की बात हो रही है। तीसरी बात, अभी भाई ने कहा, अच्छा फ्री राशन विकास है क्या? जी हाँ, नहीं विकास की भी बताऊंगा अभी आपको, 80 करोड़ जो अगर राशन लोगों को फ्री मिल रहा है तो जा रहा है, अब रहा विकास, अब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं अब विकास है। अब विकास की बात में ये है, विकास में बात ये है कि यहाँ पर जो है सरकार ने जो है यहाँ पर स्कूल डॉक्टरों की पोस्टिंग करी और वहाँ फ्री इलाज करा, कोविड को फ्री वैक्सीन लग रही है, फ्री तो दादा आप भी दे ही रहोगे? हाँ फ्री टैक्स तो दे ही रहोगे? नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा इससे फ्री है। हाँ, टैक्स राशन दे दिया तो 5 मेंबर का नाम भी तो घर के काट दिए, वो 2 जनों को राशन दे रहा है, 5-5 किलो 10 किलो राशन दे दिया और घर के 4 आदमी का नाम कटे में, तो वो खाएंगे नहीं क्या, वो कहाँ से खाएंगे बताइए? क्या टीकाकरण जो पहले नहीं होता, अब कुछ जिम्मेदारी अपनी भी होती है कि हम अगर हमारे घर के मेंबर्स के नाम कटे हैं या नाम नहीं आ रहा तो हमारा फर्ज बनता है देखने का। टीके की बात करें तो टीके बचपन में भी तो लगते थे, आपके भी तो टीके लगे होंगे, पहले पैसे लगे थे? नहीं नहीं, पैसे कभी नहीं लिए, तो शुरू से ही नहीं लेते, नहीं लिए पैसे, वैक्सीन फ्री है और सबसे पहले भारत ने वैक्सीन शुरू करी है। कांग्रेस राज में भी तो जब शुरू में था तो उस समय तो वैक्सीन फ्री मिलती थी जो टीके लगे, उस वैक्सीन नहीं, मैं तो उसका कोविड वाली वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, कोविड की वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, वो वैक्सीन तो, और सरकार की जिम्मेदारी है ना ये। देखिए देखिए, अगर ये माने गवर्नमेंट 500 रुपए लेती वैक्सीन का तो कितना जाता, अगर एक घर के अंदर 4 मेंबर, टीवी का है जा हुआ और पोलियो का हुआ, कई टीके तो लगे। देखिए देखिए, एक घर में 4 मेंबर हैं, अगर 4 मेंबरों के 2000 बचते हैं, बचे 2000, अगर वैक्सीन 500 रुपए गवर्नमेंट लेती है तो अब गवर्नमेंट, बचपन में आप छोटे थे तो भी तो आपको टीके लगे होंगे? कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, शिक्षा अधिकारी से रिटायर हुआ हूँ, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी से यही काम मेरा था, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ हूँ, कभी पैसे नहीं, नेवर पिलाया उसमें, नेवर नेवर कभी नहीं लिए। सारी सरकार, हाँ सभी सरकारी गए जी, क्या कह रहे हैं? जो सरकारी नौकर होगा, हाँ, उसका तो पेट भरा होगा, और गरीब आदमी जो रोज का कमाने वाला है, हाँ, जब उसे रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? बताइए, और हर चीज महंगी है, खाने का तेल,
सरकार ने 500 रुपए खाते में डाले सरकार ने, लेकिन सरकार ये भी जानती है मोटरसाइकिलों पे चालान इतने कर दिए, जो 500 डाले तो 5000 रुपए चालान कर दिए। एक मोटरसाइकिल जिसकी 500 रुपए खाते में डाल दिए तो दिख रहा है, लेकिन जो 5000 रुपए मोटरसाइकिल जिसकी 6000 की कीमत है और 5000 उसका जुर्माना डाल दिया मोटरसाइकिल, मैंने खुद भर कर खड़ा हूँ। तो ये कहाँ का कानून है बताइए, ये मोटरसाइकिल चलाना गुनाह है या तेल? आज तेल 200 रुपए बिक रही है, 100 रुपए कौन चलाएगा गाड़ी? क्या करेगा गरीब आदमी बताइए? पाँच सौ रुपए आपने खाते। और जो इन्होंने कहा, इनकी बात का सवाल ये है कि यहाँ पर गाड़ी चढ़े गड़ागेमपुर में, जो गाड़ी पूरी बात सुनिए, 45 साल से अरे बात को होने दीजिए, 45 साल से आजम का कहते सरकार उनकी थी, ये पहली बार आई है, और जो पहली बार आई है उसने सबके लिए एक सा सामान रखा है। अगर कोई फायदा राम को है तो फायदा रहीम को भी हुआ है, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी के साथ मतभेद हुआ हो। और जहां सवाल बेरोजगारी का है, यहाँ 45 साल से तीन बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है, समाजवादी की सरकार आई है, पहली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, उसने यहाँ सबको राशन फ्री करा, हर चीज है रिफाइंड। आप अधिकारी रहे हैं, आप अधिकारी हैं, तो राशन फ्री करना कोई विकास तो नहीं है? विकास देखिए, अब सुनिए, विकास युवा नौकरी के लिए, सुन लीजिए, जो युवा जो रोजगार ना, क्वेश्चन जो किया आपने, विकास में 18,000 यहाँ गरीबों के मकान नैलाट हुए हैं, 18,000 बात करने दीजिए दूसरे की, 18,000 14,000 मुस्लिम भाइयों को मिले हैं, 17,000 हिंदू भाइयों को मिले हैं, मकान मिले आप लोगों को? सर हमें नहीं मिला, और हमें हमारे अल्लाह दादा में का 5 साल सरकार होने के बाद में अभी तक रोड नहीं बना, उसके बाद में मेरी ये हड्डी फ्रैक्चर हुई है, मैंने गया भी नगर पालिका भी गया, कोई सुनवाई नहीं। अब बताइए क्या हो सकता है, और हम ठेला लगाते हर हड्डी में हमारे, तो मूड में क्या है, वोट तो डाल दिया सर, विकास को नहीं करता सरकार, सब विकास करती है, सब सरकार विकास करती है, आजम खान ने किया या समाजवादी ने या कांग्रेस ने विकास नहीं किया, सबने विकास करा, ये विकास की बात तो गलत है। सवाल जो मुद्दा है, आदमी को अपने पेट के लिए सोचना है, सरकार पेट के बारे में बताइए, वो सरकार पेट गरीब आदमी का 5 किलो अनाज दे दिया, 5 किलो अनाज दे दिया उससे पूरा हो जाएगा? इनको 50 किलो मिल गया, हमें 5 किलो भी नहीं मिला, अब बताइए मेरा नाम काट दिया राशन में, जूती घिस गई मेरी, अभी तक मुझे राशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये राशन का मुद्दा है। अब वो कह रहा है 2.5 लाख रुपए दे दिए, तो 2.5 लाख रुपए दिए तो लाखों आदमी की बेवाओं की पेंशन काट दी, एक को दे दिया 50 के काट दिए, तो ये तो सब सरकारी सोच है, आदमी खाली राशन है, तेल काटा किसी का नहीं है, सबका अधिकार है, अपना अधिकार लेके जाइए और उसे कराइए, आपका किसी का कोई कुछ नहीं काटा है, आपको तो सिर्फ डराया जा रहा है, सिर्फ डराया जा रहा है, मुस्लिम में कोई मुद्दा है था क्या? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई सिर्फ डराया बहुत चल रहा है, हिजाब का असर पड़ा क्या इस बार? सिर्फ हिजाब का फर्क, आप 1 किलो तेल दे दिया समझे, नहीं 1 किलो तेल दे दिया, मिट्टी का तेल बंद कर दिया, बताइए 1 किलो तेल के अंदर मिट्टी का तेल बंद कर दिया, रामपुर वालों शक्कर खत्म कर दिए, 1-2 किलो चावल दे दिए, शक्कर हमेशा के लिए बंद कर दी, ये कहाँ का मुद्दा है? क्या कह रहे हैं, वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिए। क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा, किस बात का? भूखा भूखा बताइए, कारोबार का बताएं, किस चीज़ का बताएं, ये आप बताइए, नहीं हमें आप बताइए किस चीज़ का बताएं, भूखा बताएं या मतलब कारोबार का बताएं, या आपने मतलब परिवार उसका बताएं, किसका बताएं, आप बताइए। अनाज दे रहे हैं 5 किलो, 5 किलो अनाज में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 5 किलो अनाज में, क्या क्या हमको महीना कट जाएगा? तेल भी तो दे दिया। हाँ कहाँ पे दे दिया तेल, क्या तेल दे दिया? 200 रुपए किलो का तेल बिकवा रहा हो, जरा कम से कम ये तो समझो कि कितने रुपए किलो तेल बिकवा रहा हो। सिलेंडर का क्या, सिलेंडर फ्री में? सिलेंडर भी कहाँ, और यार खमान में मुझे बुरा निकलेगा, आपका भी ऐसे बोल दिया, क्या सिलेंडर भी नहीं मिल गया, कुछ भी नहीं, क्या क्या सार हूँ, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बताओ? समाजवादी उसमें ये तो था कि पिल्सन तो थी, महीनेवार साल मतलब 10-10 रुपए मिलते थे, मिलते तो थे, राशन तो इतना महंगा नहीं था। अब क्या, और मन में क्या है, मन में क्या चाचा? कुछ नहीं मिल लिया, कुछ नहीं मिला, आएगी योगी जाएंगे, क्या लग रहा है? वोट डाल दिया, जो विकास मोदी सरकार में हुआ वो आज तक किसी सरकार में इतना विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? बहुत कुछ हुआ है, सिलेंडर मिला, घर मिल रहा है, मकान मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है अपने, मतलब 8-8 लाख रुपए मकान के मिल रहा है, और क्या चाहिए पब्लिक को? 2 साल से फ्री अनाज मिल लिया, और नौकरी नौकरी विकास भी, नौकरी भी मिल रही है, नौकरी भी मिल रही है,
नौकरी भी मिल रही है, मतलब महंगाई का मुद्दा नहीं है, महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है, ये तो चलता ही रहता है साहब, उतार चढ़ाव तो। सिलेंडर फ्री में मिला 1000 रुपए जो, उसका भी कोई आ रहा है हमारे कल ही आए पैसे, मतलब सब में आ ही रहा है, 500 रुपए आ रहे हैं, मतलब किसमें आ गए, खाते में आ रहे हैं, जो श्रम कार्ड जो बनवाया इन्होंने इसमें 500 रुपए महीना आ रहा है, और क्या चाहिए मजदूर आदमी को, जो बताइए विकास हुआ 500 रुपए ही, मतलब नौकरी और कुछ नहीं चाहिए, विकास जो मतलब नौकरी मिल तो रही है, कैसे नहीं है महंगाई को मुद्दा, आप कह रहे हो महंगाई मुद्दा नहीं है, जो राशन जो सिलेंडर 450 रुपए का था आज 1000 रुपए का, गरीब आदमी के घरों में सिलेंडर सड़ रहे हैं। अच्छा काम किसी ने किया है, योगी से अच्छा काम किसी ने नहीं किया, योगी का अच्छा काम कोई कौन कह रहा है, योगी ने अच्छा काम अच्छा कर दिया या सरकार ने अच्छा काम, सब अपनी सरकार अपने लिए अच्छा करती है, लेकिन गरीबों के लिए अच्छा करके दिखाइए, हमारी सरकार की ये मांग है, और आज जो सिलेंडर 1000 रुपए मतलब खातों में करा, गरीबों को सिलेंडर फ्री मिलेंगे, वो सिलेंडर मिला आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, आदमी लकड़ियाँ नहीं मिल रही है, लकड़ियाँ तक की नहीं मिल रही है, आदमी कहाँ से चलाएगा, मिट्टी का तेल बंद कर दिया, सिलेंडर दे दिया, मिट्टी का तेल बंद कर दिया। एक सेकंड क्या है, सिलेंडर जब कांग्रेस सरकार में कितना था, वो पहले सिलेंडर जिस रेट में था, कितना था कांग्रेस में था, 600 कुछ पे था, 600 था जी हाँ, 650 पे, 400 कुछ था ना, नहीं 400 सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट, सब्सिडी क्या है आज का रेट, और आज जो है उस रेट से आ रहा है, आज भी सब्सिडी जा रही है, सब्सिडी आ रही है क्या सिलेंडर में, कह रहे कांग्रेस सस्ता है, कोई सब्सिडी नहीं आई, 2-4 में आई है या कि नहीं आई है, सिलेंडर कांग्रेस से सस्ता है अभी भी, सस्ता है, हाँ 1000 रुपया सिलेंडर है, और पहले कितने का था बताइए, ये कह रहे हैं कि 600 का था पहले, हाँ तो इनके पास मिल जाएगा, बताओ हम ले लेंगे, इनसे जाके हम इनसे जाके ले लेंगे, अगर सस्ता मिल जाए 600 रुपए का तो ले लेंगे हम जाके, कहाँ है 600 रुपए का, जिसके पास जमीन ही नहीं है वो क्या करेगा, नहीं जिसके पास जमीन, वो कह रहे हैं एक जगह जमीन का रेट 500 रुपए था, 27 गज, जिसके पास जमीन नहीं वो क्या करेगा, वो तो पैदल ही हो गया, वो तो आपके पास जमीन है, आप कह रहे हैं जमीन है, ऐसा नहीं, ये जमीन को मत लेके जाइए आप, मुद्दा क्या है, मुद्दा है क्या, मुद्दा है क्या, मुद्दा कि जियो और जीने दो, क्या है मुद्दा, गरीबी सरकार तो यह है, हमारी सरकार समाजवादी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी समाजवादी सरकार, बहुत अच्छी सरकार थी, जियो जीने दो, समाजवादी में सिर्फ गुंडागर्दी, गुंडे बनपते हैं, जो आज ये कहना समाजवादी अच्छी थी, कल उन्हीं के लोटे भरते थे ये गुंडों के, समाजवादी सरकार, गुंडा राज अब खत्म हो गया क्या, गुंडा राज खत्म है, मैं देखिए मैं कांग्रेस का बताइए, लखीमपुर में क्या हुआ, मैं कांग्रेस लखीमपुर में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, जब जा रहे थे वो कोई प्री प्लानिंग कोई काम नहीं था, प्री प्लानिंग कोई काम नहीं, हाथरस में क्या हुआ, लखीमपुर में क्या हुआ, प्री प्लानिंग कोई काम नहीं था, नाम में क्या हुआ, सरकार को बदनाम करने के लिए दूसरी पार्टियां ऐसे काम करती हैं, कोई प्री प्लानिंग काम नहीं है, कोई प्री प्लानिंग काम नहीं है, इस देश में आज भी क्राइम होता है, कोई बैठा नहीं है इंतजार में क्राइम रोकने, गोली दासना में चलती है, अरे क्राइम तो होता है, लेकिन आज आप क्राइम देखिए, दंगे देखिए, मैं दरअसल कांग्रेस का हूँ, लेकिन मुझे उनके गुंडा राज खत्म हो गया क्या, नहीं नहीं गुंडा राज और बड़ गया, उनके उसमें जब तक वो रहे या तो गुंडे चले गए उनके राज में, या तो गुंडे को फटा दिए उन्होंने या फिर जेल में आके बंद हुआ है, आज जो रामपुर में विकास हुआ, क्वेश्चन कर रहे हैं आज इससे पहले समाजवादी में कर नहीं सकते थे, आज जो विकास हुआ है रामपुर का हॉस्पिटल देख लो, ये देख लो रामपुर में जो बिल्डिंगे बनाई है, ऐसी ऐसी बिल्डिंग बनाई है, लोग हमारे जो आज बंदे में चले जाओ दिन में ही लूटिया करते थे, आज ये हाल है, रात को 2 बजे चले आओ 3 बजे चले आओ, आदमी वहाँ बैठ रहे हैं, जा सकते कितने साल से जा सकते, आज महिलाएं गांधी समाधि पे खुल करके आज इतना, जब वो पहले ऐसा था कि आदमियों बैक हो वो चलता था, रोड पे चलना भी सिखा दिया यहाँ पे, जब मंत्री जब इनकी गवर्नमेंट थी तो मंत्री लोग खौफ था, लोग हम रॉन्ग साइड ना चले, रॉन्ग साइड ना चले सीधे चले, मतलब तो ये तो आज सही है ना, अगर रॉन्ग साइड चलना तो गलत ही है ना, हाँ ये उन्हीं की मजबूरी है, कहीं चलना गलत नहीं है, कहीं तानाशाही करके डिवाइडर ही नहीं कट करा, आज आप उसकी मूवी बनाइए, आज योगी सरकार में 2 डिवाइडर कट हुए इसी वजह से, इस तानाशाही सरकार में समाजवादी की डिवाइडर कट ही नहीं हुआ, पेट्रोल पंप के आगे कट नहीं हुआ, स्कूल के आगे कट नहीं हुआ, तो आदमी क्या करेगा, रॉन्ग साइड जाएगा, मजबूरी मुस्लिम भाइयों मजबूरी में रॉन्ग साइड जाएगा, यतीम खाना तोड़ दिए गए, बेरोजगार है, गरीब है, और उनकी बकरियां ले गए, भैंसे ले गए मुस्लिम भाइयों की, और उनका वो तोड़ दिया, ठीक है ठीक है, चलिए बिल्कुल साफ तौर पे जो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, महिलाएं बात करेंगे, कुछ पुरुष लोग भी है जो वोट डाल के, आप वोट डाल दिया आपने, बिल्कुल देखिए वोट डाल के आ चुके हैं, क्या नाम है, मेरा नाम है जास पठानी जी, पठानी जी क्या लग रहा है, क्या मुद्दे थे जब वोट डालने पहुंचा साहब, हमारा तो अरी हमारा कोई मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा है बस, और
जो ये चल रहा है इस वक्त के, जो मैं तो खैर कांग्रेस पार्टी से हूँ। अच्छा, पार्टी से आप? जी, पार्टी से हूँ। और कांग्रेस का जो है वो बहुत बढ़िया है। तो पार्टी कांग्रेस को दिया, तो आपने कांग्रेस को ही दिया होगा? जी जी बिल्कुल, कांग्रेस को दिया। तो मुद्दा विकास का, तब विकास का योगी सरकार ने नहीं किया? नहीं, योगी सरकार ने जो उनको काम करने तो करे उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं। जो काम करना था बहुत सारी, उन्होंने गुंडागर्दी कम करी, उससे बहुत इम्प्रेस है और बहुत काम किए। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई बेवकूफ़ी है इंसान की। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं महंगाई। पूरे वर्ल्ड में महंगाई है, कोई हिंदुस्तान में महंगाई नहीं है, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। इंसान अपनी कमाई से खुद सहमत नहीं है। कोई भी इंसान एक भी भूखा सोया हिंदुस्तान में नहीं सोया। वो क्या है, भूखा सोगा जब ही इंसान परेशान है, बाकी इंसान अपनी उससे है कोई वो नहीं। यहाँ पे हम यहाँ थे, यहाँ पे रामपुर में घूम रहे हैं। रामपुर में ये जो है सुंदरलाल इंटर कॉलेज के सामने जो बूथ था, वहाँ बात की लोगों से बात जानने की कोशिश की कि अब क्या माहौल लग रहा है, किस मुद्दों पे वोट डालेंगे, कि क्या मुद्दे होंगे। तो आपने सुने मुद्दे, कोई कह रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तो कोई कह रहा है महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि सरकार में जो है गुंडा राज ख़त्म हुआ, तो कुछ लोग कह रहे हैं गुंडा राज अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या होगा अब, तो अब तो आज जो है सारे प्रत्याशियों का जो भी हैं उनकी किस्मत तो EVM में कैद हो जाएगी। आज ही का वो दिन है, आज ही वो पर्व, जो एक रिक्शा वाला हो चाहे एक बड़ा अधिकारी हो, सभी अपना हक का इस्तेमाल करके वोट डालते हैं और नेता चुनते हैं। लेकिन क्या होगा 10 तारीख को, 10 मार्च की किस्मत किसकी किस्मत बदलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।